बिना तले बिना खोया के टेस्टी ज्वार गुलाब जामुन। एक बर्तन में 1/4 कप ज्वार का आटा लीजिए, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ज्वार के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज कर रहे हैं। ग्लूटेन फ्री गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप स्किम मिल्क पाउडर। ये डेयरी व्हाइटनर नहीं है, स्किम मिल्क पाउडर है। इसमें शुगर कंटेंट नहीं होता है। मैं हमेशा कोई भी मिठाई बनाने के लिए यही मिल्क पाउडर यूज करती हूँ। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून घी डालना है। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी न्यू लग रही है, पसंद आ रही है और सबसे बड़ी बात हेल्दी लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। ये मिक्स हो गया है, चलिए अब इसका आटा गूंथ लेते हैं। रूम टेम्परेचर के पानी से सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। मैंने 1/4 कप डाल दिया है, पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून घी और डालेंगे। आटा गूंथ कर रेडी है, इस तरह का सॉफ्ट डो चाहिए। इसे गूंथने में हमें 1/4 कप प्लस 2 टीस्पून पानी लग गया है। लगभग सेम साइज की लोइयां तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा डो गीला ही रहेगा ये, क्योंकि ज्वार में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए आपको डो को थोड़ा सा गीला ही रखना है। यहाँ पर ये 14 इक्वल साइज की हमने लोइयां तैयार कर ली है। एकदम चिकनी लोई तैयार करेंगे। ऊपर से हल्का सा ऐसे नीचे से दबाते हुए ऊपर ऊपर आइए, बहुत ही आसानी से चिकनी लोई तैयार हो जाती है। बिल्कुल चिकना बॉल है ये। इस तरह से दबाते हुए धीरे 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 ऊपर आइए। मैं इन्हें 14 इक्वल साइज में कर ले रही हूँ। 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, तब तक चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए 1 कप पानी लेंगे, इसमें 1/2 कप गुड़ पाउडर डाल देंगे। बस हमें चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी इलायची कूट कर डाल देना है। चाशनी में उबाल आ गया है, फ्लेम को बंद कर देंगे। बाद में एक बार फिर से हमें चाशनी को गर्म करना है। मेरा अप्पम पैन बहुत ही थोड़ा सा पतला है, तो मैंने यहाँ पर जुगाड़ किया है, क्योंकि हमें एकदम लो फ्लेम पर बनाना है और इस गैस की फ्लेम लो नहीं होती है। तो तवा गर्म होगा, साथ में ये भी गर्म हो जाएगा, तो इस तरह से मैंने रख दिया है। लो फ्लेम पर पैन को हल्का सा ही गर्म करना है। थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे और अब डाल देंगे रेडी किए हुए गुलाब जामुन। पैन हल्का सा गर्म है, जितना गर्म चाहिए हमें। हल्के हल्के बबल्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल इतना ही गर्म चाहिए। अप्पम पैन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है, इसलिए मैं तुरंत ही इसे घुमा दे रही हूँ और अब ढक कर 1 से 1.5 मिनट तक कुक होने देंगे। उसके बाद ओपन करेंगे और हर 30 से 40 सेकेंड में इसे ऊपर नीचे करना है। धीरे धीरे ये फूल कर पूरे अप्पम पैन को कवर कर लेंगे, मीन्स डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है घी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, कम लग रहा है, थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। घी देखिए कितने परफेक्ट फूल रहे हैं, बस जलने नहीं देना है। फटाफट इसे चलाते रहिए, पलटते रहिए। अप्पम पैन में एक बार के गुलाब जामुन कुक होने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। अभी अच्छे से फूल गए हैं, अब इसे ढकने की जरूरत नहीं है। पूरे 14 गुलाब जामुन 4 से 5 चम्मच घी में बन जाएंगे। ये सब हो गए हैं, मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। चाशनी को गरम कर लेना है। गरम गरम चाशनी में गरम गरम गुलाब जामुन डालना है। ढक कर रख देंगे, तब तक हम सेकेंड बैच बना लेंगे। अगर अप्पम पैन ज़्यादा गर्म हो जाए तो फ्लेम को बंद करके ठंडा करना है और फिर गुलाब जामुन डालना है। सेम तरीके से बचे हुए गुलाब जामुन भी कुक कर लेंगे। मैं नॉनस्टिक अप्पम पैन में बना रही हूँ। अगर आपके पास कास्ट आयरन का है, उसमें भी सेम तरीके से बना सकते हैं। कास्ट आयरन में 1 से 2 चम्मच घी ज़्यादा लग सकता है। इस गुलाब जामुन को आप फ्राई करके भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी रहेगी, अप्पम पैन की जगह आप इसे लो फ्लेम पर घी में धीरे धीरे फ्राई कर सकते हैं। और नीचे मैंने पैन इसलिए लगाया है कि सब तरफ इवन गैस की फ्लेम लगे। अगर हम डायरेक्ट फ्लेम पर रखते हैं तो इवन नहीं लगती है। ये बनकर रेडी है, इन्हें निकाल लेंगे। निकाल कर गरम चाशनी में डालना है। पहले वाले गुलाब जामुन हो चुके हैं, इन्हें चाशनी में से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने चाशनी थोड़ी सी कम बनाई है और एकदम पतली थिन चाशनी ही बनानी है, गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, हल्की सी गर्म हो गई है, पर गुलाब जामुन ठंडे ना हो जाए इसके लिए मैं पहले ही इसमें डाल दे रही हूँ। जैसे ही चाशनी में उबाल आने लगे, फ्लेम बंद कर दीजिए। हमें उबालना नहीं है,
सिर्फ चाशनी को हल्का सा गर्म करना है। बस चाशनी में उबाल आ गया है, फ्लेम बंद कर रही हूँ। इसे ढककर रख देंगे। दोनों भी गुलाब जामुन को मिला लेंगे और ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। पर बीच बीच में एक आध बार ऊपर नीचे कर दीजिएगा, सभी में चाशनी एक जैसी सोख हो जाएगी। ज्वारी के आटे के गुलाब जामुन रेडी है। ये देखिए कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, फूल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बिना चीनी, बिना मैदा, बिना सूजी, बिना आटा, बिना खोया बने हैं, फिर भी ये एकदम सॉफ्ट बने हैं और टेस्टी भी बने हैं। इस बात की 100% गारंटी है कि आपसे भी ये परफेक्ट बनेंगे। एक बार ट्राई कीजिए, आप इसे बार बार बनाएंगे। ग्लूटेन फ्री ज्वारी के आटे के हेल्दी गुलाब जामुन बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय। बहुत टेस्टी बने हैं, पता ही नहीं चल रहा है। इसे हमने ज्वारी के आटे से बनाया है और साथ ही बिना चीनी की चाशनी बनाई है।